नमस्कार। अचानक कमर दर्द होना बड़ी दुष्कर कार्य होता है, बड़ा ही तकलीफ देह होता है और हमें उसमें तो ऐसा लगता है जैसे कमर टूट ही गई है। उसका कारण क्या होता है? कारण देखिए, अचानक आपने किसी वजनदार चीज़ को उठाया झटके से, तो यहाँ पर कमर का मतलब आप समझिए कौन सा स्थान होगा। कमर का मतलब होगा ये वाला हिस्सा। यहाँ पर अगर दर्द होता है इस जगह, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा का पूरा अगर हिस्सा दर्द में है और किसी न किसी खिंचाव की वजह से ये हो रहा है, तो आप ये समझिए कि इस जगह बहुत बड़ा क्रैम्प आया है। और इस क्रैम्प को ठीक करने के लिए देखिए, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीधा हॉस्पिटल जाते हैं और उसका ट्रीटमेंट लेने का प्रयास करते हैं। वहाँ पर पेन किलर जो है वो पहला ट्रीटमेंट होता है। मैं ये मानता हूँ कि शरीर में कभी भी कोई व्याधि आए तो बहुत ज़्यादा अगर आपातकालीन स्थिति है, देखिए उसके लिए तो हमें इलाज लेना ही पड़ेगा, हॉस्पिटल में जाना ही पड़ेगा। लेकिन कुछ स्थितियों में जो शरीर की अचानक कुछ ऐसी स्थितियां जिसमें हम कुछ ठीक कर सकते हैं, वैसी स्थितियों में हमें थोड़ा रुकना चाहिए। जैसे सर्दी जुकाम का है, अभी कोरोना काल चल रहा है, उसकी अपवादिक स्थिति को छोड़ दीजिए। उसके अलावा अगर हल्का सर्दी जुकाम है तो आप एक बार इंतज़ार करिए, शरीर को ठीक करने दीजिए अपने आप। अगर कुछ चीज़ें कुछ जैसे घुटना दर्द है या कोई भी दर्द आ रहा है शरीर में, वो वायु का वेग है, अगर उसकी वजह से है तो वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। जब वायु ठीक हो जाएगी, आपने अगर बीच में औषधियों को डाल दिया तो वो फिर ठीक होने में उसको बड़ी प्रॉब्लम आएगी। वो यानी आपने बॉडी की क्रिया को डिस्टर्ब कर दिया। यही बात इस कमर दर्द में भी आती है कि अगर ये क्रैम्प आता है, खतरनाक क्रैम्प आता है, इस क्रैम्प के अंदर आपको 3-4 दिन शरीर को देना चाहिए। कैसे? एक तो आपको सीधा लेटना ही चाहिए। अगर ये कमर दर्द आ गया तो बेड रेस्ट इसका सबसे बढ़िया उपाय है। बेड रेस्ट करना चाहिए इस कमर दर्द में। देखिए, मैं उस बात की बात नहीं कर रहा कि एक्सीडेंट हो गया, डिस्क के ऊपर कोई चोट लग गई, बल्जिंग आ गई, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं कर रहा हूँ असामान्य क्रियाओं में आपने जो किया, और उसमें जैसे आप सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, चढ़ते हुए क्रैम्प आ गया, कोई गाड़ी में चला रहे हैं, गाड़ी में सीट पे बैठते हुए टाइट सी थोड़ी सीट थी उसमें बैठे और आपके यहाँ पर दर्द आ गया, और वो दर्द इतना जानलेवा होता है, ऐसा लगता है कि कमर टूट ही गई, तो उस समय आप उसका थोड़ा सा एक बार संयमित होकर ध्यान करें, मेरे किस कारण आया। आपको पता चल जाएगा, मैं गाड़ी में बैठा था उसकी वजह से आया, मैं सामान उठा रहा था उसकी वजह से आया। अगर ऐसा आता है तो आप पहला तो आराम करिए, बिस्तर पर लेट जाइए और सीधा लेट कर आराम करना शुरू कीजिए। ये तो पहला काम। दूसरा, इसका बचाव क्या है? बचाव ये है कि आगे झुकने वाली सारी क्रियाएं इसमें बंद करनी ही पड़ेगी आपको, क्योंकि अगर ये क्रैम्प आगे झुकने से आया तो इसका मतलब आगे झुकना कई दिनों तक बंद। तीसरा जो काम है वो है आपको सुबह फ्रेश होकर आते हैं वो कबोर्ड चेंज करना। तीसरा काम, ये इस पर गौर नहीं करते आमतौर पर, बहुत सारे मेरे पास फ़ोन कॉल आते हैं ना तो बात होती है, तो मैं कहा कमर दर्द है आप कबोर्ड कौन सा यूज़ कर रहे हैं। हालांकि हम लोग कहते हैं अंग्रेजी कबोर्ड जो है वो यूज़ सामान्यतया नहीं करना है, लेकिन अगर आपकी शारीरिक स्थिति है वो बीमार के लिए है, स्वस्थ व्यक्ति के लिए, स्वस्थ व्यक्ति तो बीमार बनाएगा, लेकिन बीमार व्यक्ति के लिए है, बीमार व्यक्ति को जो है अंग्रेजी कबोर्ड यूज़ करना है। बीमार का मतलब कमर दर्द वाले में, क्योंकि जब आप हिंदी टॉयलेट में उत्कटासन में बैठते हैं, पैर पूरा मुड़ जाता है, तो ये पीछे की जो क्रैम्प हुई जगह है ये वापस अपनी जगह से डिसलोकेट हो जाती है और वो दर्द और बढ़ता है, सीधा खड़ा नहीं हुआ जाता। तो ये ध्यान ही रखें कि अगर कमर दर्द में आपको खिंचाव आ गया है तो आप अंग्रेजी कबोर्ड ही उस समय यूज़ कीजिए। 5-7 दिन करेंगे आपको वो दर्द धीरे धीरे कम हो जाएगा, वरना क्या करते हैं, दर्द है और सुबह हम उठकर उस कबोर्ड पर बैठते हैं हिंदी वाले पे, और उस पर जब बैठते हैं तो उत्कटासन यानी उकड़ू में बैठते हैं, उस समय ये दर्द वापस हरा हो जाता है और पूरे दिन फिर दर्द शुरू हो जाता है। तो ऐसा करते करते हम कई महीनों तक उस दर्द को लिए घूमते हैं, तो हमें ठीक करना है, उसका उपाय बता रहा हूँ। तो सीधा आराम से लेटना है, उसमें आपको उल्टा भी लेटना हो सकता है। आप अगर उल्टा लेटें और आराम से थोड़ा सा गर्दन को ऐसे उठाकर ऐसे ऐसे बैठ जाए तो धीरे धीरे कमर के ऊपर आपको एक अच्छा रिलीफ सा महसूस भी होगा। उसके लिए मैंने कमर दर्द के जो वीडियो है उस पर बताया हुआ है। तो ये तो मैं एक सामान्य आपको शुरुआती प्रक्रिया बता रहा हूँ। तो आप बिस्तर पर लेटे हैं, अब लेटे लेटे क्या करें, तो वहाँ पर एक काम करिए, आप वहाँ पर अनुलोम विलोम करिए, कमर सीधी रहेगी, सीधे लेटे हुए हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम जो मैंने आपको बताया हुआ है, वीडियो है मेरा, इसमें सीधा सिंपल काम है, बाई नासिका से श्वास लेना, दाई से छोड़ना, दाई से लेना, बाई नासिका से श्वास लेना,
दाई से छोड़ना, दाई से लेना, बाई नासिका से श्वास लेना, दाई से छोड़ना, दाई से लेना, बाई से छोड़ना, किसी प्रकार की जल्दी नहीं होनी चाहिए और गहरा श्वास होना चाहिए। गहरे श्वास के बारे में मैं हर बार बता रहा हूं आपको, गहरा श्वास मतलब खुल के एकदम, यहां से जैसे कुएं में हम पानी डाल रहे हैं ऐसा लगना चाहिए। तो यहां पर श्वास जब जाएगा तो वो हमारे तंतुओं को जो स्टफनेस आई है उसको रिलीज करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन गर्म और ठंडे का सेक करेगी। ये हमारा चंद्र स्वर है, ठंडा है, ये ठंडक देगा। ये गर्म स्वर है, सूर्य स्वर है, पिंगला नाड़ी है, ये शरीर में गर्मी देगी। तो ईड़ा और पिंगला को जो है उसका उपयोग करते हुए हम 15 मिनट 20 मिनट लेटे हैं, लेटे लेटे करते रहें, आप देखना आधे घंटे बाद में आपको ऐसा फील होगा जैसे वहाँ कोई हील कर रहा है, वहाँ से कोई ठीक कर रहा है। ये मैं आपको इंस्टेंट इलाज बता रहा हूँ, अगर किसी को ऐसा क्रैम्प आ जाए। फिर उसके बाद में 3 दिन तक आप उसको देखिए, ये सारा करके देखिए, मुझे लगता है ज़्यादातर मामलों में 60-70% तक ठीक हो जाएगा। अगर फिर भी लगता है दर्द वैसा ही है, किसी प्रकार का कोई ठीक नहीं हुआ, तो फिर आपको हाथों हाथ हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि आपने कोई उसको गलत तो कुछ किया नहीं, आराम ही किया है, तो आराम करने में उसको कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आपको ऐसा फील हो गया कि मेरा ये दर्द ठीक नहीं हो रहा, 1% भी उसका कोई सही इफेक्ट नहीं आया है, तो फिर उसका ट्रीटमेंट लीजिए और ऑर्थो के डॉक्टर या न्यूरो के डॉक्टर, उनसे आप उनसी इसकी कंसल्ट कीजिए और उसके बाद में जो ट्रीटमेंट होता है वो सारा ट्रीटमेंट लीजिए। तो मैंने आपको शुरुआती यौगिक क्रियाएं बताई है, यौगिक फर्स्ट एड बताया है कि हम योग में क्या कर सकते हैं। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करके आप अपने आप को ठीक करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐसी अपेक्षा मैं करता हूँ। तो इस कमर दर्द में घबराएं नहीं, बहुत शांति से अपने आप को समझते हुए इसका ट्रीटमेंट खुद करें। जहाँ तक ठीक हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं हो तो फिर हॉस्पिटलाइज हो, वहाँ पर जाकर पूरा चेकअप करवाएं, MRI करवाएं, उससे पता चलेगा कि कहीं कोई बहुत बड़ी चोट तो हमारी रीढ़ की जो लास्ट लंबर एरिया की जो वर्टिबाज है उसमें कहीं चोट तो नहीं है। अगर चोट है तो फिर उसका ट्रीटमेंट हमें हॉस्पिटल में लेना होगा। तो मैं मूल रूप से आपको मस्कुलर पेन के बारे में बता रहा हूँ, जो मसल्स के वजह से हो जाता है, क्रैम्प की वजह से हो जाता है, वो इसमें ठीक होने के पूरे चांस रहते हैं। गर्म ठंडे का सेक भी कर सकते हैं, जैसे 3 मिनट आपने ठंडा कपड़ा, जो ठंडा बर्फ़ का पानी है उसमें कपड़ा गीला किया, उसको रखा, 2 मिनट गर्म रखा, 3 मिनट ठंडा रखा, 2 मिनट गर्म रखा, ऐसा भी कर सकते हैं। इससे भी आपको सिकुड़ेगी, फैलेगी जो चमड़ी, अंदर की स्किन है, ब्लड है, वो सिकुड़ेगा फैलेगा, इससे भी आपको एक सुकून जो है वो इसमें मिल पाएगा। तो ये कुछ उपाय, हल्के हल्के उपाय हम बताते रहते हैं, आप करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अब दीजिए इजाज़त, डॉक्टर मनोज योगाचार्य को त्रिनेत्र TV के लिए, त्रिनेत्र योग धाम से नमस्कार।